हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू मैथ्स। सो इस वीडियो में हम क्लास सिक्स का चैप्टर थ्री विच इज प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और डिविजिबिलिटी रूल सारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक करना ना भूला करो भाई। आते हो तो वीडियो देखते हो, लाइक करके जाया करो, और साथ में कमेंट भी कर देना। So now question number 2 says, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि दो नंबर, जैसे हमें बहुत सारे नंबर्स गिवन हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, हमें दोनों को ये देख के बताना है कि वो 4 और 8 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ी है, जैसे मान लीजिए 572 हमारे पास नंबर है, तो हम 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि लास्ट के दो डिजिट हैं 72, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 वन ज 4 माइनस 3 2, और आपका ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स यस 572 इज डिविजिबल बाय 4। नाउ अब 8 का देखना है। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या देखना होता है? लास्ट के थ्री डिजिट। जैसे हमने यहाँ 4 के लिए लास्ट के दो डिजिट देखे हैं, 8 के लिए हमें लास्ट के तीनों डिजिट देखने होते हैं, लास्ट के थ्री डिजिट्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। 8 से 572 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5। अब आपको पता है कि ये प्रॉपरली डिवाइड आपका नहीं हो रहा है, आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, आपका रिमाइंडर आ रहा है, ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये मैं रेज कर देती हूँ, यहाँ पे टोटल आंसर लिख लेती हूँ, 572 इज डिविजिबल बाय 8, सॉरी डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। इसी तरीके से करना है हमें नेक्स्ट पार्ट भी। 726352 हमारे पास क्वेश्चन है, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के दो डिजिट देखेंगे जो कि है 52, तो 52 को हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से, 4 वन ज 4 माइनस, और ये आपका आंसर आ गया, यानी कि ये 4 से तो डिविजिबल है। नाउ 8 से देखने के लिए लास्ट के तीन डिजिट देखेंगे विच इज 352, 352 को अब आपको 8 से डिवाइड करके देखना है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ये जो है 8 से भी डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली। तो इसका आंसर होगा 726352 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उस पर बहुत सारे पार्ट्स लिखे होंगे, और वहां पे सिंपल हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे और हम येस और नो का आंसर उसमें लिख देंगे। तो नाउ गाइस, लेट्स मूव ऑन टू ऑल नेक्स्ट पार्ट्स। तो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है 5500 को। हमें सबसे पहले 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 4 को, जब 4 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट की दो डिजिट देखते हैं, लास्ट के दो डिजिट हैं 00। और मैंने आपको ये इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी लास्ट में 00 या 000 आता है, जैसे हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो वो डिविजिबल होता ही होता है। तो 4 के लिए लास्ट की दो डिजिट देखनी है विच इज 5000 आ गया, दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें लास्ट की तीन डिजिट देखनी है विच इज 500, राइट। सो हमें अब क्या करना है, 8 से 500 को डिवाइड करके देखना है। 8 6 48 माइनस 2 और इधर 0, 2 is 16, और हमारा आंसर नहीं आ रहा, रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स कि 5500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, राइट। नेक्स्ट पार्ट है 6000 है, तो 4 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट की दो डिजिट देखेंगे, लास्ट की दोनों डिजिट है 00, और 00 का मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल होगा ही होगा, जैसे इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए वी आर सपोज टू सी लास्ट थ्री डिजिट्स, लास्ट के तीनों डिजिट क्या है,
जीरो जीरो जीरो, दैट मीन्स कि ये इससे भी डिविजिबल होगा। सो नाउ गाइस नेक्स्ट पार्ट है 12159, अगेन हमें इसकी डिविजिबिलिटी 4 से चेक करनी है, तो लास्ट के दो डिजिट देखेंगे विच इज 59, राइट। सो 59 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, वैसे तो हमें पता है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, स्टिल हम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, दैट मीन्स कि 4 से 59 यानी कि ये नंबर 12159 डिविजिबल नहीं होगा। अब चलते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो हमें देखनी है लास्ट की 3 डिजिट्स, 159 को हमें डिवाइड करके देखना है 8 से, ठीक है। सो हम डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, माइनस और इधर आ जाएगा 79, और यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये आंसर रिमाइंडर में रिमाइंडर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इससे भी डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब अगेन 14560 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है 4 के साथ, तो लास्ट की दो डिजिट डिवाइड करेंगे 4 के लिए, लास्ट की दो डिजिट। तो जब आप 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 वन 4, और ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 14560 डिवाइड होगा 4 से, डिविजिबल है। लेट्स मूव टू 8 की डिविजिबिलिटी, सो 560, लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे 560, तो अब हमें 560 डिवाइड करके देखना है किससे, 8 से, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं और हमें पता लग गया कि ये भी डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, तो ये भी डिविजिबल है, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 21084, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की दो डिजिट देखेंगे विच इज 84, राइट। 84 को 4 से डिवाइड करो, आपको दिख ही रहा होगा कि ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, दैट मीन्स डिविजिबल है, तो 21084 इज डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट की 3 डिजिट है 084, 084 का मतलब क्या है, 84। अब 84 8 के टेबल में आता है, नहीं आता, अब डिवाइड करके देखना वो नहीं आता, सो ये इससे डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है 31795072, राइट। तो 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के दो डिजिट देखेंगे विच इज 72, 72 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं सो यू विल गेट 18 एज एन आंसर, ओके। सो ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 31795072 इज डिविजिबल बाय 4। नाउ लेट्स मूव टू 8 की डिविजिबिलिटी, तो लास्ट की 3 डिजिट है 072, 072, अब दैट मीन 72, क्या 72 8 के टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है, तो ये इससे भी डिविजिबल होगा, राइट। नेक्स्ट है 1700, 1700 में 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की दो डिजिट देखेंगे विच इज 00, जहां 00 आ गया वहां पे डिविजिबल होगा ही होगा। और 8 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे विच इज 700, तो आप 700 को डिवाइड करके देख लो, वो 8 के टेबल में 8 से डिवाइड नहीं होगा, दैट मींस ये डिविजिबल नहीं है, क्लियर हुआ। लास्ट पार्ट इज 2150, तो 4 के डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के दो डिजिट विच इज 50, तो हम 50 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 4 के टेबल में 50 आने का तो मतलब है ही नहीं, दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ रिमाइंडर भी बच गया, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे 150, 8 से डिवाइड करके देखेंगे, सो 150 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे सो यू विल ऑब्वियसली नॉट गेट द आंसर एज पर योर रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स कि ये इससे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सो ये एक तरीका था हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये मैंने एक टेबल इस तरीके से बना दिया ताकि आपको कैलकुलेशन भी साथ में दिखती रहे, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस के कुछ भी नहीं है, आपको अगर डिवाइड आता है, डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, ये चैप्टर बेसिकली कुछ भी नहीं है आपके लिए। सो अब क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना है, और किसी भी, जरूरी नहीं है इसी चैप्टर की क्वेरी, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो और किसी भी क्वेरी क्वेश्चन में आपके पास क्वेरी आ रही है, तो आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और हो सकता है अगर मैं आपकी क्वेरी कमेंट में नहीं क्लियर कर पाऊंगी तो मैं आपको वीडियो में भी समझा दूंगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, थैंक यू।